A harmless man is not a good man. A good man is a very, very dangerous man who has that under voluntary control. जहाँ आज के मेल्स को वक्त के साथ एक डेंजरस मेल होना चाहिए, वहीं ये सॉफ्ट मेल सिर्फ एक हार्मलेस बॉय बन के रह गए हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन असल में किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते। जबकि असल में हिस्ट्री से अब तक कोई मेल ये नहीं चाहता कि वो हार्मलेस और कमजोर दिखे, जो किसी को वक्त और जरूरत आने पर नुकसान ना पहुँचा पाए, जिसका कोई भी कितना भी नुकसान करके चला जाए और वो चुपचाप बस सब कुछ सहता रहे और खड़े खड़े सब कुछ देखता रहे। मानो या ना मानो, हर एक मेल अंदर से यही चाहता है कि लोग उससे कहीं ना कहीं जरूर डरे। रूम में मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस मैन हो, उसके पास पावर हो, वो एक रियल सिग्मा हो। लेकिन ये सोसाइटी कभी ऐसा होने नहीं देती और ना ही चाहती है कि आप ऐसा बनो। आपको ऐसा फील कराया जाता है कि डेंजरस मैन बनना मतलब बुरा इंसान बनना होता है, पर ये सच नहीं है। रियलिटी तो ये है कि हर एक आदमी जो रिस्पेक्ट और पावर के साथ जीना चाहता है, उसे एक डेंजरस मैन बनना ही पड़ेगा, क्योंकि डेंजर और रिस्पेक्ट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेंजरस मैन की पावर ऐसी होती है जो आप उसके ऑरा से फील कर पाते हो। एक असली डेंजरस मैन वो नहीं होता जो चीख चीख के ये कहे कि वो कितना खतरनाक और पावरफुल है। ऐसे लोग सिर्फ हार्मलेस और कमजोर कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं, जिन्हें कोई भी मसल सकता है, जो अंदर से एकदम खाली और खोखले होते हैं, बस बाहर से गुस्सा दिखाते हैं। एक असली डेंजरस मैन वो होता है जो अंदर से बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन वो इस ताकत का दिखावा ना करता हो। वो इस ताकत के साथ पीस मेंटेन करके रखता है और बहुत ही शांत होता है। लेकिन इसे गलत मत समझना, डेंजरस होने का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना नहीं होता है। जरूरी नहीं जो इंसान सबसे खतरनाक हो वो साइज में भी बड़ा ही हो, उसकी फिजिक डराने वाली हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग शरीर से बहुत खतरनाक लगते हैं लेकिन दिमाग से बहुत कमजोर होते हैं, जिन्हें कोई भी चालाकी से हरा सकता है। इसीलिए हम ऐसे 4 ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी भी आदमी को मोस्ट डेंजरस बना सकते हैं। आर्टिकुलेट योर थॉट्स। एक डेंजरस मैन वो है जो अपने थॉट्स और आइडियाज को बहुत क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए और आसानी से समझा पाए। ये एक अनकहा सच है। लोग उस इंसान से बहुत डरते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है, जो सिर्फ अपनी बातों से ही किसी का भी माइंडसेट बदल सकता है और किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है और लोगों पर उसकी बातों का असर होता है। इसी रीजन की वजह से एंड्रयू टेट को कैंसिल करा गया, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, जो कि UFC फाइटर रह चुका है। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन कोई उसके मुक्के से या उसके पैसों की पावर से इतना नहीं डरता जितना उसके बोले हुए वर्ड्स और बातों से ही डर जाता है। I believe that a man has the sacred duty to hold true to his word and do exactly what he says he will do. I believe that a man's life is difficult and that he has the sacred duty to become strong to handle such difficulty. हम लोगों को एंड्रयू टेट पसंद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये मैटर करता है। लेकिन इस बात से हम सभी अग्री करेंगे कि अगर वो किसी रूम में है तो कोई उससे भिड़ने से पहले 10 बार सोचेगा, फिजिकली नहीं बल्कि डिबेट करने के लिए भी। वो जिस हिसाब से अपने थॉट्स और आइडियाज को अपने वर्ड से प्रेजेंट करता है, बड़े से बड़े लोग उसके सामने चुप हो जाते हैं। उसकी यही क्वालिटी उसे एक डेंजरस मैन बनाती है। यही सेम बात आप जॉर्डन पीटरसन में भी नोटिस कर सकते हो। कैसे वो अपनी बातों पे टिके रहते हैं, उनके बिलीव्स को कोई कितना भी चैलेंज करे वो टस से मस नहीं होते और अपने थॉट्स को ऐसे आर्टिकुलेट करते हैं कि सामने वाला ही उनसे हार मान के चला जाता है। ये तो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल्स हो गए। आप इस क्लिप में हमारे CGI चंद्रचूड़ को सुनिए, वो कैसे क्रिटिसिज्म पे रेस्पॉन्ड करते हैं। नोटिस करना कैसे उनका हर वर्ड एकदम कैलकुलेटेड है। जस्टिस नरीमन, योर फॉर्मर कॉलीग एंड योर फॉर्मर सीनियर आल्सो, हिज फादर फली नरीमन, दे हैव स्पोकन पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट ऑन 370. सो हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू दैट क्रिटिसिज्म? A judge who decides a case speaks through their judgments. बहुत से मैन इस बात को समझ नहीं पाते कि बात करने की कला में कितनी ज्यादा पावर होती है। अगर आप पहले के टाइम पर देखो तो डेंजरस होने का मतलब होता था जो सबसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होगा वो एक लड़ाई में सबको हरा देगा और जीत जाएगा, जिससे सबकी रिस्पेक्ट मिलती है और सभी उससे खौफ खाते थे। लेकिन टाइम बदल चुका है। आज के टाइम में सोशल और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कौन सा मेल कितना ज्यादा पावरफुल है, ये अब सिर्फ 1-on-1 फाइट से डिसाइड नहीं होता, अपने थॉट्स और कम्युनिकेशन की पावर से ही डिसाइड हो जाता है कि वो बंदा क्या है और क्या कर सकता है, बल्कि डिबेट से ही डिसाइड जाता है। जो बंदा अपनी बात को ठीक से रखना तक नहीं जानता, वो क्या ही अपने थॉट से कोई चेंज लाएगा। पावर टू इन्फ्लुएंस। एक डेंजरस मैन के पास ये पावर होती है कि वो जब चाहे तब लोगों को अपनी बात के लिए राजी करा दे, लोगों से वो काम करवाना जो आप करवाना चाहते हो, वो भी उनकी अपनी मर्जी से। इसे ही इन्फ्लुएंस करना कहा जाता है। गवर्नमेंट और मीडिया का इन्फ्लुएंस लोगों पर बहुत होता है। वो जैसे चाहे वैसे लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।
जरा एक मिनट के लिए सोच के देखो कि इन लोगों के हाथ में कितनी पावर होती है। अगर ये चाहे तो आपकी एक नेगेटिव इमेज बना सकते हैं, ये रेगुलर लोगों को इन्फ्लुएंस करके आपको बहुत बुरा बना सकते हैं, और वहीं अगर ये चाहे तो रातों रात आपको इतना अच्छा बना सकते हैं कि लाखों करोड़ों की भीड़ आपकी फैन हो जाएगी। जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने साथ जोड़ सकते हो तो आपके पास वो पावर है जिसका यूज करके पहले के टाइम पर लोग बड़ी बड़ी आर्मी बना लेते थे। चाहे आदमी कितना ही खतरनाक हो, वो और ज्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब उसके साथ और लोग जुड़ जाते हैं जो उसकी हर एक बात मानते हैं और हर सिचुएशन में उसकी मदद करते हैं। अपने थॉट्स को सही से आर्टिकुलेट करने से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी साइड ला सकते हो, जो हर लड़ाई में वो आपके लिए आपके वॉरियर्स की तरह काम करते हैं। आप सिंगल तो खतरनाक थे, बट एक आर्मी के आ जाने से आप अनस्टॉपेबल भी हो जाते हो। एज ए मैन आपका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इनविजिबिलिटी। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर दिखाने का बहुत शौक है, लेकिन अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो जिससे आपको पैसा आए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, आप सिर्फ लोगों के अप्रूवल के लिए या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो इसलिए सोशल मीडिया यूज करते हो, तो आप अपने आप को एक वल्नरेबल सिचुएशन में डाल रहे हो, क्योंकि एक डेंजरस मैन कभी अपने बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगने देता, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। लोगों के पास आपके बारे में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही ज्यादा चांस है कि आपके बारे में उस सारी नॉलेज का यूज करके वो आपके ही अगेंस्ट कभी ना कभी यूज करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपको एक इंसान के बारे में पता होता है उसे कंट्रोल करना भी उतना ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको इसका रियलाइजेशन अभी तक नहीं है तो गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके बारे में जितना भी कुछ जानते हैं उसका यूज करके आपको वही एड्स दिखाते हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। उनके पास आपके बारे में इन सारे इन्फॉर्मेशन का एक्सेस इसलिए है क्योंकि आपने खुद उनके हाथों में ये पावर दी है। खुद ही सोच के देखो, सबसे ज्यादा डेंजरस कौन होगा? जिसके बारे में ओपोनेंट को सब कुछ पता है, उसकी हर एक चाल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ, या फिर वो जो शेर की तरह शिकार से पहले साइलेंटली मूव करता है। आज के समाज में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। आप इसे खर्च कर रहे हो या सबसे बचा के रखते हो? खुद से ही पूछो। जो चीज सीक्रेट और मिस्टीरियस होती है लोग उसे जानने में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उससे बहुत डरते हैं। अपना हीरो भी उस विलन के आगे घुटने टेक देता है जिसे वो खुद से कम समझता रहा था, जिस विलन का उसे नामो निशान तक नहीं पता था। वो कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, ये सब उसकी पावर है जिसे वो अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। खुली किताब मत बनो, बल्कि प्रोफेसर और थॉमस शेल्बी की तरह मिस्टीरियस बनो, जहां आपको सबके बारे में पता हो लेकिन लोगों को आपके बारे में सब कुछ ना पता हो। चेंज पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू। एक डेंजरस मैन जब वीक फील कर रहा होता है तब वो दुनिया को ऐसे दिखाता है जैसे वो कितना स्ट्रांग है, और जब वो एक्चुअली में स्ट्रांग होता है तब ऐसे दिखाता है जैसे कि वो कितना वीक है। खुद को सीक्रेटिव अनप्रिपेयर्ड दिखाना भी सिग्मा की एक असली पहचान है। ऐसा करके वो लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। सामने वाला बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और सिग्मास इसी का फायदा उठाना जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुजरिम कोर्ट में मौजूद होता है और उसे जेल जाने की सजा मिलने वाली हो तो खुद को ऐसे में स्ट्रांग और पावरफुल दिखाना उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा कराएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो इनोसेंट है या असली में कोई क्रिमिनल है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपको अपनी पावर्स को छुपाना पड़ता है। एक असली डेंजरस मैन खुद को ऐसी सिचुएशन में वीक दिखाना जानता है। वो खुद के स्ट्रांग होने को खुद का ईगो नहीं बनाता, और हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने ऐसा करा है जहां उन्होंने अपने आप को फालतू में अपने ईगो में बड़ा दिखाने की कोशिश की है, वो सभी बहुत बुरी मौत मरे हैं। वहीं डेंजरस मैन जब कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहां वो अंदर से बहुत वीक फील कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें एक मास्क पहन के रखना पड़ता है जो उनकी वीकनेस को छुपाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बिजनेस डील में हो और आप उस डील के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, फिर भी आपको एकदम स्ट्रांग दिखना आना चाहिए। जैसे अगर आपको ये डील नहीं मिली तो मार्केट में और भी कई अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास और भी कई बिजनेस ऑफर्स हैं। ये सामने वाले को ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि जरूर आपके पास कुछ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।